गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी आवर सेकेंड चैप्टर प्रोनाउन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह लेता है. सी द एग्जांपल्स. अली इज इन द क्लासरूम. ही is reading. So in first sentence, Ali is in classroom. Ali जो है वो classroom में है और वो क्या कर रहा है? Reading. So in the first sentence there is a name use, but in the second sentences there is use he. So instead of Ali there is a written he. So what is the he here? It is a pronoun. So in every sentences when we are not use the name, when we use he, she, I, me, so all these words are pronoun. So when we use the all these words, these words are called pronoun. So here is used Ali. And in the second sentences there is use he. So in this he is a pronoun. So see here, Ali. Ali is noun and he is pronoun. Ali क्या है? Name of a person. Ali किसी का नाम है. And he used in place of noun. और जो he है वो noun की जगह पे use किया गया है. And see the pronouns example. He, she, they, I, we, you, this, that, it, etc. ये सारे जो words हमारे हैं ये सब pronouns हैं. हम इनको sentence में noun की जगह पे use कर सकते हैं. Now see the another example also. Bhanu is my friend. He is cute. So Bhanu is your noun. But what is the he? He is pronoun. So we are talking about भानु इज माय फ्रेंड. भानु मेरा दोस्त है. वह क्यूट मतलब वो बहुत प्यारा है. सो यहाँ पर भानु उसका नाम यूज़ किया गया है, बट उसके बाद यहाँ पर उसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है. ही इज़ क्यूट, वो बहुत प्यारा है. सो नोट व्हाट इज़ दैट वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. जो शब्द नाउन की जगह पे उपयोग किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सो आवर फर्स्ट प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. ओके, तो आवर पर्सनल प्रोनाउन इज, सी हियर व्हाट इज रिटन. पर्सनल प्रोनाउन वी कैन टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू. इन द पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है? जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है. इसमें हम तीन थर्ड पर्सन तक डिवाइड करते हैं और इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. राम इज टेलिंग टू श्याम दैट रीता इज अ इंटेलिजेंट गर्ल. सो राम यहाँ पर श्याम से क्या बोल रहा है? रीता एक बुद्धिमान लड़की है. सो राम इज टेलिंग टू श्याम दैट रीता इज इंटेलिजेंट गर्ल. सो इन दिस कन्वर्सेशन राम इज फर्स्ट पर्सन. राम जो है स्पीकिंग कर रहा है, मतलब राम जो है श्याम से बोल रहा है. तो राम जो हो गया वो फर्स्ट पर्सन हो गया. सो व्हाट इज, श्याम इज सेकेंड पर्सन. श्याम जो है वो सेकेंड पर्सन है क्योंकि राम जो है श्याम से ही बोल रहा है. तो जो राम है वो फर्स्ट पर्सन है और जो श्याम है वो सेकेंड पर्सन है. बिकॉज राम इज टेलिंग टू श्याम, श्याम इज लिसनिंग. सो राम, श्याम जो है वो सुन रहा है. तो श्याम जो है वो सेकेंड पर्सन है. रीता इज थर्ड पर्सन. हाउ इज रीता थर्ड पर्सन? बिकॉज शी इज नॉट प्रेजेंट देयर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट रीता. जो रीता है वो थर्ड पर्सन है. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर पहली बार तो प्रेजेंट नहीं है और राम और श्याम जो है रीता के बारे में बात कर रहे हैं. तो
Ram is the first person because he is talking about Rita, and the Shyam is the second person because वो राम की बात सुन रहा है, एंड द रीता इज़ अ थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. नाउ नेक्स्ट, टू फॉर्म्स इन प्रोनाउन, देयर इज ऑल्सो टू फॉर्म्स, टू फॉर्म्स सिंगुलर एंड प्लूरल. प्लूरल में सिंगुलर इज वॉट, सिंगुलर इज यूज फॉर वन पर्सन और थिंग. सिंगुलर जो है वो एक एक पर्सन या किसी भी एक चीज़ के लिए यूज होता है. आई मी ऑल दीज थिंग्स आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म. नाउ वट इज प्लूरल, प्लूरल इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग. प्लूरल में क्या होता है, जब भी हम कभी किसी एक से अधिक चीज़ के बारे में या किसी एक से अधिक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसे प्लूरल बोलते हैं. दैट इज वी, आवर, आवर्स, ऑल दीज थिंग्स कम्स इन टू द प्लूरल्स. नाउ बेस ऑन टाइप्स, सो इन बेस पर्सनल प्रोनाउन बेस ऑन टाइप्स, फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव. वॉट वी सी इन सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में हम क्या बोलते हैं, जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात होती होती है तो सब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, आई, वी, ही, शी, हु, दे, ऑल दीज थिंग्स कम्स इन टू द सब्जेक्टिव. नाउ सी इन टू द पोजेसिव, पोजेसिव में क्या है, यूज टू शो ओनरशिप. जो पोजेसिव होता है उसमें हम किसी चीज़ की ओनरशिप को शो करते हैं. मी, माई, जस्ट लाइक मी, माई में क्या हो सकता है, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ओनरशिप शो कर रहे हैं कि हम इसमें अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि ये बुक मेरी है. सो दिस माइन इज यूज फॉर ओनरशिप. आवर, आवर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, हूज, ऑल दीज थिंग्स आर कम इन टू द पोजेसिव प्रोनाउन. नाउ इन कम टू द नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यूज फॉर ऑब्जेक्ट. जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी थिंग, जो भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आता है हम उसके लिए यूज करते हैं, मी, अस, हिम, हर, देम, हुम, ऑल दीज थिंग्स कम इन टू द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन.